हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित बरुआ। आज के वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं कुल 4 या 5 जो है INR डील्स के बारे में बताऊंगा, पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में नए हो, मैं एक कंसेप्ट जो है आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली जो है एक अपॉर्चुनिटी है, जिसपे जो है कोई भी काम कर सकता है। जैसे आप अगर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, या आप अपना जो है थर्ड या फोर्थ या सेकंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है ये 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। इस पे जो है आपको नेट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे जो है आप इसे प्रमोट करोगे। ये अगर सिंपल नॉलेज आपके पास है, कैसे जो है आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को जो है प्रमोट कर पाओ, या आप जो है ऑनलाइन भी जो है इसे प्रमोट कर पाओ, इसका अगर नॉलेज आपके पास है, तो ये जो है आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने के लिए। इस पे कैसे पैसे बनते हैं वो जो है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए जो है आपको INR डील्स का अकाउंट लगेगा। INR डील्स का अकाउंट बनाने के लिए जो है आपको साइन अप करना होगा, और साइन अप करने का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप उस लिंक से जो है INR डील्स के साथ ज्वाइन करते हो, तो जो है आपको 50 रुपीज जो है बोनस मिलेगा, और मुझे जो है कुछ कमीशन भी जनरेट होंगे। ये दोनों के लिए जो है विन विन सिचुएशन रहेगा। मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज़ आप अगर INR डील्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जो है लिंक इसका दिया रहेगा आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे। मैं जो है ये INR डील्स के जो है साइट्स है, आपको यहाँ पे जो है साइन अप करना है। अगर आप साइन अप कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के ऑप्शंस पे जो है आपको जाना है। देखिए, यहाँ पे जो है डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने में है। यहाँ पे डैशबोर्ड के आने के बाद यहाँ पे जो है एक जो है इस तरह का जो है आपको पेज मिलेगा। इस पेज पे जो है आप देख सकते हो INR डील्स की जो है ब्रांडिंग किया हुआ है। यहाँ पे आपको अगर नया अकाउंट है, तो अगर आपको जो है अकाउंट मैनेजर असाइन नहीं किया जाएगा, आपको कुछ दिन और देना पड़ेगा, तभी जो है आपको अकाउंट मैनेजर भी असाइन होंगे। यहाँ पे जो है डैशबोर्ड, कैंपेन्स, रिपोर्ट्स, टूल्स, पोस्ट बैक, ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम है, ये है हमारा डैशबोर्ड का पैनल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा जो कितने कन्वर्शंस है वो और कितने आज क्लिक्स हुए हैं, ये डिस्प्ले होते हैं यहाँ पे। उसके नीचे आप अगर आप जाते हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लिंक जनरेट करने वाला ऑप्शन। ठीक है, सपोज आपको ये फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को जो है जनरेट करना है, तो आपको जो है इस फ्लिपकार्ट को लिंक को कॉपी करना है, या आप लैंडिंग पेज भी कर सकते हो यहाँ पे करके, आप पेस्ट करके आपको जो है यहाँ से भी जनरेट कर लेना है। देखो, यहाँ से जनरेट हो गया। यहाँ पे जो है हमारे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्टिव पॉपुलर जो कैंपेन्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जो है आपको कौन सा कैंपेन लाइव है, कौन सा कैंपेन पॉज हो गया, उसके रिगार्डिंग जो है हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फाइन, ये था डैशबोर्ड का ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शंस में जो है आपको देखिए, कैंपेन के ऑप्शंस में जो है आपको ये जो एक्टिव है और इनएक्टिव है, ये सभी जो है वेबसाइट एप्लीकेशंस ये पे जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आपको फिल्टर करना है, तो आपको जो है ऊपर में क्लिक करना है सिंपली, और ये जो है फिल्टर्स होके भी आपके पास आ जाएंगे। देखिए, आपको एक्टिव फिल्टर्स एक्टिव चाहिए, तो एक्टिव कैंपेन जो है फिल्टर होके आ गया। यहाँ पे पेआउट को भी जो है ऐसे फिल्टर कर सकते हैं, कैंपेन्स को भी जो है आप सेम वैसे जो है फिल्टर्स भी कर सकते हैं। फाइन, रिपोर्ट्स पे जो है आपको बेसिकली रिपोर्ट्स मिलेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके रिगार्डिंग जो है आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेंगे। और आज का वीडियो जो टॉपिक था वो जो है हम लोग बेसिकली ये टूल्स के बारे में समझेंगे, ये टूल्स ऑप्शंस में क्या क्या फीचर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा अर्निंग जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए, पहले जो है यहाँ पे ब्राउज़र एक्सटेंशन है, देखिए ब्राउज़र एक्सटेंशन ऑप्शन है। देखिए, ये अगर हम एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र पे ऐड कर लेते हैं, तो कोई भी जो है लिंक इस पे जो है कोई भी लाइव शेयर्स जो है आपको लाइव में जो है आपको डील्स वगैरह यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ से जो है जनरेट कर सकते हैं लिंक, और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है इजीली इसे प्रमोट भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका क्रोम वाला, क्रोम ऐड टू ब्राउज़र वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सटेंशन मिलता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ऐप विजिट,
देखिए यहाँ पे आप जो है INR डील्स पे, अगर आप मोबाइल यूज़र हो, ठीक है, ये फीचर जो है मोबाइल यूज़र्स के लिए जो है ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसके जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो, अपने INR डील्स अफिलिएट लिंक से जो है लॉगिन करो और आप इजीली जो है ये सारे प्रोडक्ट्स को जो है प्रोमोट भी कर सकते हो इजीली फ्रॉम योर मोबाइल। आपको जो है लैपटॉप कंप्यूटर की जो है कोई ज़रूरत नहीं लगेगा। इसके लिए रिगार्डिंग जो डिटेल्स वीडियो है मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा, तो आप उसे भी जो है देख सकते हो, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सो मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए बुक मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो है ड्रैग द हैंडी बटन ऑन द डेस्कटॉप रेडी टू रोल, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग बुक मार्क जो है ऐड कर सकते हैं। ये जो है हमारे गूगल क्रोम मोजिला सफारी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपेरा सभी पे जो है काम करेगा। तो लास्ट ये वाला जो है राइट साइड ऑप्शन में देखिए वर्डप्रेस प्लगइन्स है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हो तो ये प्लगइन्स भी जो है आपके लिए बहुत हैंडी रहेंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जो है स्निपेट्स दिए हुए हैं, अगर आपको जो है उनके लेटेस्ट ऑफर्स मैनुअली अपने वेबसाइट पे लाना है, इस पे जो है आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपके वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट कीजिए, आपके डील्स जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे आने लगेंगे। यहाँ पे डील्स इंजन सेम तरीके से काम करता है। अगर आप आपके वेबसाइट के विजिट्स पे जो है उनके डील्स प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इजीली इस कॉपी कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको जो है यहाँ पे डील्स नए नए डील्स जो है वो आते रहेंगे, आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है फुल्ली ऑटोमेटेड है और आपको जो है इससे बहुत बढ़िया अर्निंग्स भी मिलेंगे। इसके बाद Amazon Affiliate Integrator ये वाला ऑप्शन पे आप आइएगा। देखिए यहाँ पे जो है आप Amazon का जो अफिलियट आईडी है आपके पास उसे यूज़ करके जो है आप INR डील्स पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए इस अभी के लिए जो है INR डील्स जो है Amazon के प्रोडक्ट प्रमोट करता है, लेकिन आपका जो है खुद का Amazon अफिलियट आईडी होना चाहिए तभी जो है आप ये यूज़ कर सकते हो, फाइन। उसके बाद जो है एडवांस लिंक जनरेटर है, ये जो है बहुत हैंडी ऑप्शन है। यहाँ पे जो है सपोज हमें जो है फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट टेक्स्ट के साथ शेयर करना है, ठीक है, देखिए फ्लिपकार्ट डील्स, और हमें जो है यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट का जो लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल देना है। सपोज हमें जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है शूज को प्रमोट करना है, सो हम लोग जो है यहाँ पे यूआरएल को कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए और हमें जो है कन्वर्ट इनटू अफिलिएट लिंक पे क्लिक करना है। देखिए हमारा जो है टेक्स्ट के साथ जो है अफिलिएट लिंक रेडी होके आ गया और हम लोग यहाँ से इजीली कॉपी करके जो है शेयर कर सकते हैं। सो ये ऑप्शंस जो है यहाँ पे टूल ये जो है बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे बहुत सारी इजी फीचर्स हैं जो हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा अर्निंग जो है वो डबल हो सकता है। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम बॉट, यहाँ पे जो है अगर आपके पास टेलीग्राम डील ग्रुप है यहाँ पे जो है आप उनका टोकन देके जो है आप वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद जो है आपके टेलीग्राम यूजर नेम जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका जो डील वगैरह है वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे जाने लगेंगे। सो ये ऑप्शंस भी जो है बहुत ही यूजफुल है। आप जो है इस रिगार्डिंग अगर और भी जानना चाहते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा इसी जो है टॉपिक पे रहेगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप और भी जो है जानना चाहते हो डिटेल्स में, तो कौन सा ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके लिए जो है ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।